बिटिया हमार 15 दिन से नहीं गायब भाई। ओके पता नहीं बात है का हो गया, सुलेमान के नहीं ढूंढ पावत हैं। नाबालिग लड़की 15 दिनों से गायब, पुलिस नहीं लगा पाई पता। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बीते 17 तारीख की रात से एक आदिवासी लड़की उम्र 17 वर्ष ग्राम बहरेचा पोस्ट सोनोरी तहसील त्योधर जिला रीवा से 10 बजे रात गायब हो गई है। परिजनों को इस बात की भनक सुबह लगी जब लड़की हर जगह ढूंढने पर नहीं मिली। आसपास हल्ला हुआ तो उत्तर प्रदेश के सटे गांव पिपरा में ये पता लगा कि रात 11 बजे एक लड़की और लड़का मिले। दोनों को पकड़ने के प्रयास में लड़के द्वारा यह बताया गया कि मैं पास के गांव में खेत लिया हूं, वहीं से लौट रहा हूं। ये मेरी बहन है और हम घर जा रहे हैं। अपना नाम नहीं बताया लेकिन पिता का नाम नवाब खान, पता बड़ोखर, उत्तर प्रदेश बताया। ग्रामीणों ने पहचाने जाने के लिए बाद में उन्हें जाने दिया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि लड़की नशे की हालत में लग रही थी तो युवक द्वारा तबीयत ठीक न होने बताया गया। ये जानकारी परिजनों को होने के बाद सोनोरी चौकी में प्राथमिकी दर्ज कराकर थाना सोहागी में नाम दर्ज FIR दर्ज कराई गई। लेकिन पुलिस ने नकल नहीं दिया, ऐसा लड़की के पिता का कहना है। पुलिस ने मामले की संजीदगी को समझते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सूत्रों की माने तो पुलिस ने कई जगह पिता के बताए अनुसार आरोपी मुस्लिम युवक की तलाश की पर कामयाबी नहीं मिली। दिनांक 2 सितंबर को परिजन अपनी फरियाद लेकर विश्व हिंदू परिषद के पास पहुंचकर लड़की के पिता ने बताया कि मैंने खुद 2 दिन पहले सुलेमान खान, पता बड़ोखर, उत्तर प्रदेश को अपने घर के पास देखा था। मुझे शंका ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरी लड़की का अपहरण सुलेमान खान ने ही किया है। तब बिना समय गवाए त्योधर SDPO समरजीत सिंह से मिलने और समस्या पर चर्चा करने परिषद के जिला इकाई से मिथिलेश त्रिपाठी, राम शिरोमणि उपाध्याय जी एवं चाक घाट के अध्यक्ष मोतीलाल तिवारी जी, मंत्री महेंद्र तिवारी जी एवं बजरंग दल के संयोजक ब्रह्मानंद त्रिपाठी एवं उमेश पुरी जी के साथ साथ फरियादी पिता त्योधर पहुँच कर SDPO ऑफिस में ज्ञापन दिया। साथ ही कुछ दिनों का समय और कहा कि जल्द ही जल्द लड़की और आरोपी का पता लगाएं। साथ ही श्री त्रिपाठी जी ने यह भी कहा कि अब देखना यह है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि मामला नाबालिग के अपहरण का ही नहीं हिंदू मुस्लिम का भी है। अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो कार्रवाई करने का रुख ले सकते हैं। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। बिटिया हमारे 15 दिन से नहीं गायब भाई। ओके पता नहीं बात है का हो गया, सुलेमान के नहीं ढूंढ पावत हैं। अब साहेब पुलिस हम के लगे जाए थे तो कौनो उमेर से हमार सुनाई नहीं बा। अब हम वहाँ से फिर वापस आए थे, अब कहाँ जाए कहाँ नहीं, लड़की हमार नहीं मिलती बा। अब हम लोग पतनियान है, अब लड़की लगा था कि हाँ चौकी वाले यहाँ छोड़ छोड़ आते हैं तो यहाँ हमारे घर पे आते हैं, क्या हमारे घर पे है, क्या करें, मजबूरी हालत में किसको घुराऊं, गरीब आदमी मैं। लोग आते हैं तो यहीं पर पूछते हैं कि लोकेशन मिले कि नहीं मिले। अब हम लोग कहाँ जाए लोकेशन हेरे, जब हम वही लोग के हेरे के रहा तो हम लोग उनका सहारा कैसे लें। अभी नहीं बात है, अब हम लड़की नहीं मिल पावती बा, हम लोग पतनियान है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए कुछ। अभी समय तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई हमारा नहीं रह गया, न चौकी न थाना, ऐसा लग रहा है कि मैं फांसी भी लगा सकता हूँ, मर जा की अवस्था हमारा आ गई कि अब हमारे कोई नहीं है, न बड़मनई रह गए, न थाने, न द्वारे, न कोई, न रीवा जिला मध्य प्रदेश में कोई नहीं रह गया हमारा। जहां तक तो हमारे लोग की जानकारी, अब ऐसा लग रहा है कि फांसी, सीधे सीधे फांसी लगा के मेरे आगे पीछे कोई नहीं दिखाई रहा।